हेलो एवरीवन, अक्सर लोगों को पीअप को लेकर बहुत सारी परेशानी रहती है, उनको बहुत सारी समस्या भी रहती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा। लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी ईपीएफ की ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम में जाके आप अपना शिकायत दर्ज कर सकते हो। चाहे कोई भी शिकायत हो, जैसे कि पीएफ बैलेंस का, केवाईसी का या फिर पेंशन फंड का, कोई भी शिकायत हो आप आसानी से जाके दर्ज कर सकते हो। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे ग्रीवेंस रजिस्टर करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम और आप ऐसे जुड़े रहें। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं कैसे ग्रीवेंस रजिस्टर किया जाता है। कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए, जैसे कि हो गया गूगल क्रोम या फिर ओपेरा या फिर मोजिला फायरफॉक्स। तो यहाँ पे हम ओपेरा ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ओपेरा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे ईपीएफ ग्रीवेंस। जैसे हम ईपीएफ ग्रीवेंस में सर्च करेंगे तो हमको ये लिंक दिखा देगा यहाँ पे। तो देखिए, हम ये आप देख सकते हो, ये पहला वाला लिंक ग्रीवेंस का ही है। आप डायरेक्ट भी epfigms.gov.in में जाके ये वाला पोर्टल ओपन कर सकते हो, या फिर ईपीएफ ग्रीवेंस सर्च करके ये लिंक को क्लिक करके हम ये पोर्टल ओपन कर सकते हैं। तो इसे हम क्लिक करते हैं। तो देखिए, ये ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम ओपन हो चुका है ईपीएफओ का। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे पहला है पीएफ मेंबर, दूसरा है ईपीएफ पेंशनर, तीसरा है एम्प्लॉयर, चौथा है अदर्स। तो किसी भी ऑप्शन को आप चूज करके, जैसे कि आप एक पीएफ मेंबर हो तो पीएफ मेंबर को हम चूज करेंगे। अगर आप एक एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉयर में क्लिक करके हम आगे बढ़ सकते हैं, या फिर एक पेंशनर हो तो पेंशनर में क्लिक करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एज ए पीएफ मेंबर हम आगे बढ़ते हैं, क्लिक करेंगे हम। तो देखिए, डू यू हैव क्लेम आईडी, ये पूछ रहे हैं आपका पास, आपके पास कुछ क्लेम आईडी है कि नहीं। तो हमारे पास नहीं है अभी तक। तो हम क्या करेंगे, नो में क्लिक करेंगे। जैसे ही नो में क्लिक करेंगे, हमको पूछेगा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यानी कि UAN, यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे। उसके बाद है सिक्योरिटी कोड, सिक्योरिटी कोड को टाइप कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्योरिटी कोड टाइप कर लेते हैं, और यहाँ नीचे एक बटन है गेट डिटेल्स, क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम गेट डिटेल में क्लिक कर देंगे, नीचे आएगा UN डिटेल्स, हमारा डिटेल यहाँ पे दिखा देगा UN का। उसके बाद और एक बटन नीचे है गेट OTP, जब भी हम गेट OTP में क्लिक करेंगे, हमारे रजिस्टर मोबाइल पे एक OTP जनरेट हो जाएगा, आ जाएगा। उस OTP को हमको यहाँ पे देना होगा, तो क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही गेट OTP हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे OTP के लिए हमको पूछेगा, तो OTP भी आ चुका है हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, टाइप कर लेते हैं 24546, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम सबमिट। जैसे सबमिट हम क्लिक करेंगे, OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली दिखा रहा है हमको, हम क्लिक कर देंगे ओके। देखिए नीचे बहुत सारे ऑप्शन निकल चुका है, पर्सनल डिटेल्स, तो यहाँ पे हमारा पर्सनल डिटेल देना होगा हमको। तो पहले जेंडर है, इसमें चूज कर देते हैं मेल। नीचे है एड्रेस, हमारा पर्सनल एड्रेस हम टाइप करेंगे यहाँ पे। देखिए नीचे है पिन कोड दे देते हैं। उसके नीचे कंट्री इंडिया जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, स्टेट यहाँ पे चूज कर लेंगे उड़ीसा। आप यहाँ पे देख सकते हो जो एस्ट्रिक्स मार्क है यहाँ रेड कलर का, वो कंपलसरी हमको देने के लिए। यहाँ पे ऑप्शन है ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, आप अपना ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे सकते हो, या फिर नहीं देने से भी चलेगा, ये कंपलसरी नहीं है हमारे पास। अगला है सिक्योरिटी कोड, यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड है यहाँ पे देना होगा हमको 44560। उसके बाद नीचे देखिए, आप देख सकते हो सिलेक्ट पीएफ नंबर टू लॉन्च ग्रीवेंस अगेंस्ट, किस नंबर पे आप ग्रीवेंस रजिस्टर करना चाहते हो। तो हमारा पीएफ नंबर है ये, तो इसमें हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे और एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन है ग्रीवेंस रिलेटेड टू,
मान जो विवेंस हम दे रहे हैं वो किससे जुड़ा है, हम यहाँ पे चूज करेंगे पीएफ ऑफिस से ग्रीवेंस कैटेगरी, ग्रीवेंस कैटेगरी हम चूज करेंगे जो भी ग्रीवेंस है, सपोज यहाँ पे लिख लेते हैं केवाईसी रिलेटेड इश्यूज, आप यहाँ पे अपना ग्रीवेंस डिस्क्राइब करते कर सकते हो डिटेल में, सपोज यहाँ पे टाइप कर लेते हैं माय केवाईसी इज नॉट शोन प्रॉपरली इन माय एम्प्लॉई, ठीक है। नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट, इसके रिलेटेड कुछ अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पे चूज फाइल करके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो। जैसे ही आप अपलोड कर लोगे उसके बाद करेंगे हम अटैच, अटैच करने के बाद हमें यहाँ पे कर देना है, उसके बाद अगर कुछ एडिट करना है तो हम एडिट में क्लिक करके ये एडिट कर सकते हैं, ठीक है। एडिट करने के बाद हम कर देंगे अपडेट, अपडेट करने के बाद आपको दे सकते हैं सबमिट, सबमिट बटन हम जब भी क्लिक कर देंगे हमको ये एक रेफरेंस नंबर देगा जिससे आप यूज करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे ऑप्शन है देखिए व्यू स्टेटस, तो अपना यहाँ पे रजिस्टर नंबर दे सकते हो, यहाँ पे ग्रीवेंस पासवर्ड जो है, जब भी आप अपना ग्रीवेंस रजिस्टर कर रहे होंगे उस टाइम भी पासवर्ड देगा आपको, उसी पासवर्ड का देना होगा या फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे देना होगा, आधार है जो भी आप देख सकते हो, यहाँ पे सिक्योरिटी कोड देके आप सबमिट कर सकते हो और आप जान सकते हो आपका स्टेटस, और कुछ ही दिनों में आपका ग्रीवेंस सॉर्ट आउट होके आपको दिखा देगा। अगर कुछ दिन बाद भी आपका कुछ ग्रीवेंस का रिजल्ट नहीं आया तो आप रिमाइंडर पे भेज सकते हो, सेंड रिमाइंडर में क्लिक करके, तो यहाँ पे आप सब डाटा को फिलअप करना होगा और सबमिट करना होगा, उसके बाद उसके बाद पीएफ ऑफिस में एक रिमाइंडर चला जाएगा और आपको अपना ग्रीवेंस का रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये था कुछ आसान सा स्टेप जिसे आप फॉलो करके आसान से अपना शिकायत दर्ज कर सकते हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। इपीए वीडियो को लेके कुछ भी सवाल हो या फिर सजेशन हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका सजेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपसे भी कुछ हम सीख पाएँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए देखते रहिए ट्विटर इरा।